सैमसंग फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर आई एयर कोड्स होता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, और अगर ये एयर कोड आता है तो मशीन आपकी वर्क नहीं करती है कुछ भी, तो ये जो एयर कोड होता है वो किसके लिए होता है, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। आपको कहना इस वीडियो कंप्लीट पॉज कर लेना, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन वो अच्छे समझ आ जाए। अभी क्या है, मैंने इसका जैक रिमूव कर दिया, उसके बाद इसका जो प्रेशर स्विच होता है वो उसका काम क्या होता है, ये वाटर लेवल को सेंस करता है, अगर ये ख़राब होता है या फिर वायरिंग में दिक्कत होती है तब ये एयर कोड शो होता है IE। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो जैक है हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद जो इसका प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच अगर वाटर लेवल को सेंस नहीं करता या प्रेशर स्विच तक सप्लाई नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है, वहाँ पर एयर कोड शो होता है IE। तो मैं आपको ये क्लियर करूँगा पहले कि आपका जो PCB है वो सप्लाई प्रेशर स्विच को ऑट कर रहा है ये नहीं कर रहा है। ये प्रेशर स्विच जो होता है वो 5 DC वोल्ट पे वर्क करता है, और PCB जो है सप्लाई प्रेशर स्विच तक पहुंचा रही है या फिर नहीं पहुंचा रही है या फिर ऑट कर रही है नहीं कर रही है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप उसको कैसे सप्लाई को चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर स्विच तक अगर PCB सप्लाई ऑट नहीं करेगी फिर भी वहाँ पर IE एरर कोड शो होगा, या फिर आपका जो PCB है सप्लाई ऑट कर रही है वहाँ पे वायरिंग में बहुत दिक्कत है, वायरिंग में कार्बन है, तो उसको भी देख लें। सबसे पहले मीटर लेना है, मीटर को DC बोर्ड पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है आपको दो नोपे लेना है, दोनों को एक साइड रखना है, एक बीच में रखना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप कोई सप्लाई अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पे इस तरीके से रखना है, एक इस साइड एक उस साइड, यहाँ पे क्या है जब आप एक बीच में रखेंगे एक साइड में रखेंगे तो वहाँ पर 2.5 DC वोल्ट आना चाहिए, मतलब 2.5 वोल्ट या 2 वोल्ट सो होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड आपको चेक करना है, फिर से दोबारा चेक करना है आपको, इस साइड एक बीच में रखी रहना है नोप और एक इधर उधर लगा के आपको देखना है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपके 2.5 DC वोल्ट्स होंगे, अच्छा मीटर होना चाहिए, मीटर थोड़ा लोकल होगा तो वहाँ पे 2 वोल्ट दिखाएगा, तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं कि हाँ PCB ने सप्लाई ऑट कर दी। अगर ये बीच में ना रखें, दोनों साइड इधर उधर रखेंगे तो वहाँ पे बोल्ट शो नहीं होंगे, तो आप क्या करें बीच में एक रखें, वहाँ पे जो एरर कोड शो हो रहा था मतलब वो कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक क्या है, सप्लाई ऑट कर रही है PCB को। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो वायरिंग है, वायरिंग जैसे कि A to Z वायरिंग जो भी है PCB से और इनलेट वॉल प्लस हमारा प्रेशर स्विच तक जो वायरिंग जाती है, उस वायरिंग में अगर कार्बन होगा तब भी ये दिक्कत आती है कि वोल्टेज होते हैं ठीक से नहीं मिल पाते हैं, या फिर जैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब ये दिक्कत आती है। उसके बाद आपको देखना है पाइप में फूंक के, पाइप जो होगा अगर फट गया होगा, ये देख रहे हैं आप ड्रॉप निकल रहा है यहाँ से, ये पाइप जो है वाटर लेवल है उसको सेंस नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से पाइप में ये दिक्कत है, पाइप चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें आप। उसके बाद जो दिक्कत है वाटर लेवल की सेंस नहीं कर रहा है तो वो वाटर लेवल सेंस करना स्टार्ट कर देगा, तो पाइप जो है बीच में से अगर पाइप कट जाता है या फिर पाइप जो है इससे ड्रम से अटैच होता है, ड्रम से निकल जाता है, तब ये दिक्कत आती है, वहाँ पे जो होता है वाटर लेवल को सेंस नहीं करता है, ये दिक्कत आती है। जो आप देख रहे हैं नोप यहाँ से अगर निकल जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी यहाँ से, तब ये दिक्कत आती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब जिधर हम पाइप अटैच करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, प्रेशर ठीक से नहीं बन पा रहा है, गंदगी बहुत जमा है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप इसको एसिड वगैरह डाल के इसे ठीक कर सकते हैं। बाकी आपको वायरिंग को बहुत अच्छे चेक करना है, जैक जो होता है जैक के अंदर भी बहुत कार्बन होता है, उसको भी अच्छे से देख लें कि जो जैक है एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए अच्छे से एकदम। इसको आप चाहें तो रेती से, रेगमाल से या फिर आप पेट्रोल के ज़रिए से इसको साफ़ कर सकते हैं, अगर कार्बन है तब जैक की पिन निकाल के उसके बाद आप साफ़ करेंगे अच्छे से हो जाए। अगर प्रेशर स्विच के जो यहाँ पे हम जैक कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, अगर बहुत कार्बन है तो आप इसको भी अच्छे से साफ़ कर दें, जिससे कि वहाँ पर कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो DC वोल्ट पर वर्क करता है, अगर बोल्ट ठीक से नहीं मिलेंगे, क्योंकि DC वोल्ट अगर कार्बन होगा तो वहाँ पर अच्छे सेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वहाँ पर IE एरर कोड शो होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैंने आपको बताने का नज़रिया था वो ये था कि आप अच्छे से समझ जाएं, अगर IE एयर कोड शो हो रहा है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, प्रेशर स्विच अगर सब कुछ ठीक है, आपकी वायरिंग ठीक है, PCB सप्लाई आउट कर रही है, यहाँ पर क्या है फिलहाल मैंने अभी न्यू पाइप कनेक्ट कर दी हूँ, पाइप में दिक्कत थी, अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ओल्ड वाला पाइप ये है और न्यू वाला वो है, तो यहाँ पे क्या है प्रेशर स्विच जो था इसका मतलब फॉल्टी था और सब कुछ ठीक था, वायरिंग भी ठीक थी, PCB सप्लाई भी आउट कर रही थी, दो दिक्कतें थी, एक तो पाइप की, दूसरी प्रेशर स्विच की, तो हमने दोनों चीज़ें इसमें क्या है रिप्लेस कर देना है, ये हम देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।